वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ के पकवान में। आज मैं बना रही हूँ आपकी सबकी फरमाइश पर, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, चाइनीज फ्राइड राइस विद मंचूरियन। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं क्योंकि इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, दो तीन स्टेप में हमें इसको करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमें चिकन बॉइल करने के लिए रखनी है मंचूरियन बनाने के लिए। ये मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन ली है। 2 tablespoons इसमें जाएगा लहसुन अदरक, 1 tablespoon जाएगा इसमें नमक, 1/2 tablespoon इसमें जाएगा कुटी लाल। तो व्यूअर्स देखिए, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बोनलेस चिकन, जितनी भी मैंने 1/2 kg ली है, और इसमें मैं डाल दूंगी पानी। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने यहाँ पर 1/2 kg बोनलेस चिकन, इसमें मैंने 1/2 जग पानी डाला है, 2 tablespoon मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हम इसका मंचूरियन बना रहे हैं। 1 tablespoon मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, और 1 tablespoon, 1/2 से थोड़ा सा ऊपर लिया है मैंने कुटी काली मिर्च। इसको मैं बॉइल करूंगी जब तक के लिए इसको उबाला जाए और ये गल जाए अच्छे तरीके से। मंचूरियन बनाने के लिए हमें इसको बॉइल करना है, इसकी यखनी तैयार करनी है, तब तक मैं आपको फ्राइड राइस के। व्यूअर्स, ये मैंने 3 पाव के करीब चावल लिए हैं, इसको मैंने नमक डालकर उबाल लिया है। आप चावल देख सकते हैं किस फॉर्म में होने चाहिए, बिल्कुल एक एक दाना आपका अलग अलग होना चाहिए, ना बिल्कुल गलावा होना चाहिए और ना ही कच्चा होना चाहिए। ये मैंने बॉइल करके रख लिए हैं, बिल्कुल फरेरे होने चाहिए आपके चावल। 1 tablespoon सॉल्ट है ये, 1 tablespoon कुटी काली मिर्च, गार्लिक पाउडर 1/2 tablespoon, 1 अदद बड़े साइज की प्याज बारीक कटी हुई, कुटी लाल मिर्च ये भी 1 tablespoon लूंगी मैं, चॉप किए हुए, फाइन चॉप किए हुए पूरा एक बंच जो होता है लहसुन का वो मैंने लिया है, 1/2 प्याली सिरका, ये 2 बॉक्स लिए हैं मैंने कनौर क्यूब्स के, इसमें 2 अदद होती है, 1 पैकेट में 2 होती है, ये मैंने 4 ली है, 1 प्याली बारीक कटी हुई गाजर, 1 प्याली बारीक कटी हुई हरी प्याज उसका ग्रीन वाला पार्ट लीजिएगा, 1 प्याली बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 प्याली बंद गोभी बारीक कटी हुई, 4 से 5 बारीक छोटी वाली हरी मिर्चें वो भी मैंने फाइन चॉप कर ली है, 1/2 प्याली या 3 से 4 चम्मच चिली गार्लिक सॉस, और 1/2 प्याली सोया सॉस। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए चिकन गल चुकी है, अच्छी खासी गल चुकी है। मैं इसको सिर्फ चिकन को निकालूंगी, बाकी चिकन स्टॉक पतीली में ही रहने दूंगी। इस तरह से हमें चिकन को निकाल लेना है और आधी चिकन को हमें बारीक रेशा रेशा करना है, और कुछ चिकन जो है वो मंचूरियन के लिए मैंने क्यूब्स कर लूंगी मैं इसको ना, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने सारी चिकन निकाल ली है इसमें से, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं है चिकन, ये मैंने सब चिकन इस तरह से निकाल लिए। अब मैं जो बाकी चिकन स्टॉक है इसमें मैं डालूंगी गाजर, ये क्यूब्स की तरह कटी हुई है, बंद गोभी ये क्यूब्स की तरह कटी हुई है, तमाम मैंने हरी सब्जियां ले ली हैं, शिमला मिर्च, मोटी प्याज ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये बड़ी वाली है प्याज की, इस तरह से मैंने स्लाइस काट लिए हैं, मोटा मोटा इसको कर लिया है, और मैं ये सब इसमें डाल दूंगी क्योंकि मुझे इसका मंचूरियन बनाना है। चिकन स्टॉक के अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, नमक, ब्लैक पेपर डाला था, और अब मैं इसमें ये सारी सब्जियां डाल दूंगी, और जब हमारी सब्जियां गल जाएंगी तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें बाकी मसाले डालेंगे और दूसरी तरफ हम फ्राइड राइस भी तैयार करेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है, बस 10 मिनट हमें इसको कुक करना है, जब ये सब्जी गल जाए मैं इसको कवर कर देती हूँ। निकाली थी बॉइल्ड चिकन, उसमें उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स की तरह से कर लिया है, कुछ पीसेस मैंने मोटे रखे हैं और बाकी की मैंने इस तरह से ग्रेट कर ली है। अच्छा, यहाँ पर मंचूरियन हमारा बन रहा है, मैंने इसमें सब्जियाँ डाली थी, बस ये हमारी कुक हो रही हैं सब्जियाँ, अब इसमें मैं डालूंगी बाकी तमाम मसाले। ये मैंने डाला है इसमें 2 tablespoon चिली गार्लिक सॉस, टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 teaspoon कुटी लाल मिर्च, 1/2
टीस्पून गार्लिक पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। ये मंचूरियन के बहुत खास अज्जा हैं, इसी से ही मंचूरियन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मंचूरियन बन रहा है यहाँ पर, फ्राइड राइस विद मंचूरियन, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये जो मैंने चिकन के पीसेस किए हुए थे इसको भी मैं डाल दूंगी, ये भी साथ ही इसके पकेंगे। बस इसको 5 to 10 मिनट मुझे और कुक करना है, फिर इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर। अच्छा, यहाँ पर हमारा मंचूरियन पक रहा है, जब तक मैंने यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन रखा है, कढ़ाई रख के मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला। यहाँ हम अपने फ्राइड राइस तैयार कर रहे हैं, जब तक हमारा वहाँ पे मंचूरियन बन रहा है, ये मैंने इसमें डाल दी है प्याज। और ये हरी मिर्च जो मैंने कटिंग करके रखी हुई थी, हरी मिर्च वो डाल दी है मैंने। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी और साथ ही साथ हम यहाँ पर डालते जाएंगे जो हमने अपने फाइन चॉप करके रखे थे गार्लिक। ये देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी जब ये फ्राई होंगे। तो बस हमें हल्का सा फ्राई करना है, गार्लिक से फ्राइड राइस की खुशबू बहुत जबरदस्त आती है। अमूमन जो घरों में खवातीन बनाती हैं फ्राइड राइस, तो वो इस तरह से रेसिपी को नहीं ट्राई करती होंगी। मैं ये बिल्कुल आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ। चावलों में अगर हम ये गार्लिक डालेंगे, गार्लिक पाउडर डालेंगे, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। इसको हमें फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसको हमें सौते करना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी वेजिटेबल, ये मैंने इसमें डाली बंद गोभी, हरी प्याज, गाजर और यहाँ पे गई शिमला मिर्च, फ्राइड राइस की जो वेजिटेबल है उनको कभी भी हमें इतना कुक नहीं करना होता है। फ्राइड राइस का मतलब ही यही है कि चाइनीज फ्राइड राइस वेजिटेबल भी सारी हमें फ्राई करनी होती है। अगर हम इतना ज़्यादा कुक कर लेंगे उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और वो कलर और टेस्ट नहीं आएगा जो हमें फ्राइड राइस के लिए चाहिए होता है। अब इसमें मैं बाकी तमाम मसाले डालती जाऊँगी। ये मैंने डाली कुटी काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून कुटी लाल मिर्च, यहाँ डालूंगी मैं 1 टी स्पून गार्लिक पाउडर। और ऊपर देखिए ये जो हमारी चिकन क्यूब्स थी इसको हमें मैश करके डालना है। ये देखिए इस तरह से हाथ से चूरा कर दीजिए और इसी में ही ये डिजॉल्व हो जाएंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन तनौर क्यूब्स का, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट का निकलता आएगा चाइनीज का। ये देखिए मैंने इस तरीके से हाथ से इसको डाल दिया है और ये इसको आप फ्राई कीजिए अच्छे से। जितनी भी चिकन थी ब्रेड की भी वो मैंने डालती है इसमें। सोया सॉस इसमें हम बाद में डालेंगे, जब हम चावल डाल देंगे उसके बाद हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। बस हमारी तमाम चीज़ें कुक हुई हुई हैं, अब यहाँ पे मैं चावल डालूंगी इसमें। और ये देखिए अच्छे से मैं इसको Thank you.
मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है। बस ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे चाइनीज फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं, क्योंकि ऑल लेडीज तमाम सब्जियां इसमें चावल चिकन सब कुक हुआ हुआ है, सब्जियां हमने फ्राई कर ली हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत इसकी ये होती है कि चावल अलग बॉयल करने पड़ते हैं, चिकन को अलग हमें बॉयल करना पड़ता है और सब्जियों को फाइन चॉप करना पड़ता है। मोटी मोटी सब्जियां काटेंगे वो लुक नहीं आता है, आपके खाने का लुक अच्छा होना चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और आपको आज मैंने इसकी ओरिजिनल रेसिपी दी है, चिकन पाउडर, कनौट चिकन क्यूब्स, गार्लिक पाउडर, इससे ओरिजिनल रेसिपी इसकी है यही, इसी से ही इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना वो यही होता है, उसमें यही तमाम मसाले डलते हैं। ये देखिए कलर देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त कलर है। सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी ताकि इसमें जितने भी मैंने मसाले डाले हैं वो सब अच्छे से चावल में उसका टेस्ट आ जाए। जी देखिए मैंने 5 से 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको मैं पानी डाल के मिक्स करूंगी। इसका हमें एक पतला सा बैटर तैयार करना है लिक्विड। तो व्यूअर्स देखिए ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिक्विड वाला कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें घोल के अब मैं इसमें डालती जाऊंगी और चमचा चलाती जाऊंगी, चम्मच डालती जाऊंगी और चम्मच को चलाते रहना है मुस्तकिल जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाए। बस ये देखिए इसको हमें थोड़ा और पकाना है। बहुत ज़बरदस्त ये मंचूरियन तैयार हुआ है, इतना गाढ़ा होना चाहिए। मेरे घर में असल में मंचूरियन ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, चावलों के नस्बत ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं। और ये एक तरह का सूप भी कहलाता है कि बच्चे शौक से पीते हैं, थोड़ा सा हॉट एंड सॉसी कहलाता है ये। केचप भी डली है इसमें, चिली गार्लिक सॉस डाला है हमने, तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें डाल चुके हैं कॉर्नफ्लोर, आप अपने हिसाब से रखिएगा, अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप थोड़ा और ठीक कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमें और पकाना है इसको। ये देखिए बिल्कुल डन हो चुका है ये हमारा मंचूरियन, बहुत अच्छे से ठीक भी हो गया है और हर चीज़ ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, बिल्कुल इसकी थिकनेस भी। इस पॉइंट पे जाकर मैं यहाँ सिरका डालूंगी, जो मैंने हाफ प्याली सिरका रखा हुआ था। सिरका डाल के हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस ये हमें मिक्स करेंगे और बस ये डन हो चुका है हमारा। मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए सब्जियों का कलर देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्रेश सब्जी लग रही है जबकि ये सारी कुक हो चुकी हैं। ये मंचूरियन हमारा डन हो चुका है। जी तो व्यूवर्स मंचूरियन हमारा रेडी हो चुका है, फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल बस दम पे लगे हुए हैं। यहाँ मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब। तो ये देखिए 1 अदद अंडा है जिसमें मैंने नमक डाल दिया है, बस सिर्फ उसे नमक डाल के मुझे इसको अच्छे से फेंटना है। हल्का सा मैंने इसमें फूड कलर डाला है ताकि ये येलो कलर का हो जाए। अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिएगा, नहीं डालना तो आप नहीं डालिएगा। और इसको मैं इसमें डालूंगी और ये देखिए मिक्सर इसकी मदद से मैं इसको बीट करूंगी ये इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप इस तरह से मुझे इसे करना है, कुछ लोग एग नहीं पसंद करते तो इसलिए हमें सिर्फ इसको सर्व करते टाइम हमें ऊपर डालना है, ये ऑप्शन है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालिएगा। ये देखें इस तरीके से ये बिल्कुल अंडा रेडी हो चुका है। तो ये दाने दाने से इसके बन चुके हैं, पूरा मैश हुआ हुआ अंडा ये हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ हमारे फ्राइड राइस बन के रेडी हो चुके हैं, इसमें मैं इसको ऐसे डाल के
और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए आपका दाना बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। मेरे फ्राइड राइस विद मंचूरियन बनकर डन हो चुके हैं, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए हमारे चाइनीज फ्राइड राइस बनकर रेडी हो चुके हैं, चाइनीज फ्राइड राइस विद मंचूरियन, और बहुत जल्दी ये रेडी हुआ है और बहुत मज़ेदार है। आप इसमें मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा एज इट इज़, ऐसे ही जैसे मैंने आपको इन्ग्रीडियंट्स बताए हैं। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। टेस्ट में बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपकी चाइनीज़ फ्राइड राइस मैंने आज आपके साथ रेसिपी शेयर की है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।